देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर क्या लेता है, फाइनेंशियल डिसीजंस। और फाइनेंशियल डिसीजंस हमें पता है तीन तरह के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने देखा था कि बेसिकली जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो ये डिसीजन लेता है कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट में या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सेकंड वो ये डिसीजन लेता है कि उसे बिजनेस में कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए। तो इसके लिए हम ऑलरेडी कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। कैपिटल बजटिंग में हमने पढ़ा था कि हमें किस पर्टिकुलर असेट में या प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उसका पूरा एनालिसिस हमने देखा था, और बिजनेस में कितनी वर्किंग कैपिटल हमने रखनी चाहिए वो हमने पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ा था। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग और सेकंड कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर बेसिकली जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो ये एस्टीमेट करता है कि ऑन एन एवरेज कितने फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी और पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट उसके लिए वो तैयार करता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर में वो डिसीजन लेता है कि कौन से सोर्स से वो फंड्स रेज किए जाएं, वेदर डेट से या इक्विटी से। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, इस पे हमारे डिस्कशन हो चुके हैं। डेट के साथ कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं, अगर आप डेट से फंड रेज करते हैं, इक्विटी से कौन से रिस्क एसोसिएटेड हैं, ये सब आप प्राइमरी लेवल पर ऑलरेडी देख चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें बात करनी है पूरी की पूरी कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम बेसिकली डिफरेंट थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमें डेट के लिए जाना चाहिए या इक्विटी के जाना चाहिए। हमें पता है कि एज ए फाइनेंस मैनेजर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, दैट इज़ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि कैसे अपने शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज की जाए। तो यहाँ पर इस चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके पास बेसिकली हम फोर थ्योरीज पढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल अचीव किया जा सकता है। इसके बाद आपका जो एक और चैप्टर आएगा दैट इज़ द डिविडेंड डिसीजन, जिसमें आप देखते हैं कि जो भी प्रॉफिट्स आए उसमें से हमें कितना पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एज अ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर और कितना पार्ट हमें बिजनेस में रिटेन करना चाहिए। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ सेपरेट डिस्कशन इन अ फ्रेश चैप्टर। अभी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, अभी हम रहेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कैन बी इक्विटी, कैन बी प्रेफरेंस, कैन बी लॉन्ग टर्म, और इट कैन बी द रिटेन्ड अर्निंग्स, यस और नो। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, तो ब्रॉडली देर आर थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट इज कंट्रोल। देखिए किसी भी फाइनेंस मैनेजर का मकसद ये होता है कि जब भी वो फ्रेश फंड्स रेज करे तो एटलीस्ट जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं के हाथ में मेजॉरिटी स्टॉक रहें, सो दैट डिसीजन मेकिंग पे कोई फ़र्क ना पड़े। अगर आपने शेयर होल्डर्स डाइल्यूट कर दिए, बहुत ज़्यादा इक्विटी इशू कर दी, तो उस केस के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर हो सकता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हाथों से निकल जाए। तो कम मेजॉरिटी स्टॉक मतलब कि कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा या तो 50% से ज़्यादा या 75% तक मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है रिस्क, कि जो फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है कि अगर आपने डेट से फंड रेज किया है तो उस पर आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आप वो इंटरेस्ट टाइमली पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइनेंशियल रिस्क, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो कोई भी फाइनेंस मैनेजर होता है तो जब भी वो फंड्स रेज करता है उसका मकसद ये होता है कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो टॉलरेबल लिमिट्स में होना चाहिए, वो बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन विल सफ़र। और तीसरा, जो ओवरऑल कॉस्ट है ऑफ रेजिंग द फंड्स, दैट मस्ट बी मिनिमम। तो जब भी फंड्स रेज किए जाते हैं इन तीन बातों का प्राइमरी ध्यान रखा जाता है, कंट्रोल अपने हाथ में रहे, रिस्क कम से कम हो, फाइनेंशियल रिस्क और कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। लेकिन मैं आपको बोलूँ प्रैक्टिकल ये तीनों गोल्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली अचीव नहीं हो सकते, इसीलिए फाइनेंस मैनेजर जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि कैसे वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज किया जाए, दैट इज़ कैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया जाए। तो अगर आपसे थ्योरी में पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं और किस तरीके से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, ये चीज़ आप उसमें लिख कर आएंगे। अब ये हमने बोला कि ये तीनों
चीज़ें आप साइमल्टेनियसली अचीव नहीं कर सकते। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा क्या रहेगा कि वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे मैक्सिमाइज की जाए, यस और नो। तो ये वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलती है, तो देखिए वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने का तरीका क्या होता है, EBIT आपको बहुत अच्छे से पता है इस लेवल पे आते आते, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखें सीक्वेंस में चैप्टर जरूर देखिए, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आप ये ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि कैसे इसको निकाला जाता है, हमने ये ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में निकालना सीख लिया था, ठीक है। फिर भी यहाँ दिया हुआ है आपको कि कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेटेड प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी, तो इस पर अभी मैं कोई डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ की हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर इस चैप्टर में हमें चार डिफरेंट थ्योरीज़ पढ़नी है जो हमारी हेल्प करती हैं ये डिसाइड करने में हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज़ क्या है, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ फर्म। अब चार थ्योरीज हैं, नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच भी बोलते हैं हम इसको, और नेक्स्ट इज मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। फर्स्ट जो दो अप्रोचेज हैं दैट इज नेट इनकम और ट्रेडिशनल, इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस थ्योरी भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस थ्योरी, ये अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, इसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलीवेंस थ्योरी। तो ये एक थ्योरी का पार्ट था, अब हम एक एक करके सारी थ्योरीज को पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए ये सबसे पहले बात करते हैं नेट इनकम अप्रोच की, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है। देखिए इतना तो आपको अब तक पता लग चुका है कि जैसे जैसे आप अपने फाइनेंस कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट्स बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता चला जाता है, यस और नो। क्योंकि आपको डेट्स बढ़ाने से टैक्स बेनिफिट मिलता है तो इस वजह से होता क्या है कि जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या जिसको आप बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भी क्या होती है, डिक्लाइन होती है। देखिए एक सबसे बड़ा रीजन और भी है, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, डेट्स जो होती हैं हमेशा इक्विटी से कम रेटों पे मिल जाती हैं, मतलब उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है एज कंपेयर टू जो इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है उससे कम होता है। और ये भी एक कारण है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है। और अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, भाई सिंपल सा एग्जांपल, अभी आपने देखा कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, दैट वी कैलकुलेट बाय EBIT डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सपोज EBIT 5 लाख है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% आया तो वैल्यू ऑफ फर्म विल बी 50 लाख। बट अगर ये 5 लाख है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 5% है, कम है, तो द वैल्यू ऑफ फर्म विल बी हाउ मच, इट विल बी 100 लाख, यस और नो। तो अगर वेटेड एवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन करती है तो वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखिए जैसे जैसे आप फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाते जाएंगे, डेट्स बढ़ाते जाएंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, वैल्यू ऑफ फर्म एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर डिक्रीज करेंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ फर्म एंड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज होगा। तो बहुत ही सिंपल सी नेट इनकम अप्रोच है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि नेट इनकम अप्रोच के कॉन्क्लूजन्स क्या हैं तो ये आपको लिखना पड़ेगा उसमें। अब देखिए सीधी सी बात है, वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है, जो भी मार्केट वैल्यू है इक्विटी की और जो भी मार्केट वैल्यू है डेट की, S+D, S का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, D का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है, तो जो भी अर्निंग्स अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आप इसको बोलते हैं, यस और नो। और अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम बात करें तो अभी देखिए आपने देखा वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इज वॉट, EBIT अपॉन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट इज EBIT अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म, आया ना शो। इसमें हमें करना क्या होगा, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं ध्यान से। देखिए बहुत सिंपल, EBIT है 5 लाख,
कंपनी हैज 10% रुपीज 20 लाख डिबेंचर, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इज 16%। आपको बतानी है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बड़े आराम से रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल भी अभी आपको अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप अगर यहाँ पे देखें जो EBIT है वो हमारा कितना है, सर EBIT हमारा 5 लाख रुपए है, ये सुनो। अब 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 10% पे आपने लिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करते हैं, इतना तो आपको पता ही है। तो 20 लाख का 10% कितना होता है, 2 लाख रुपए होता है, वो आपने माइनस किया तो आया कितना, 3 लाख रुपए। अब कोई टैक्स की यहाँ पर बात नहीं है, तो दिस इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, येस और नो। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर हमें पता लग गया कितनी है, 3 लाख रुपए। और आप यहाँ देख सकते हैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 16% है। अभी आपने देखा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो मतलब इस 3 लाख को अगर मैं 16% से डिवाइड कर दूं तो दिस विल बी व्हाट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्यों, बड़े आराम से रिलैक्स होके, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है सर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये मेरा आ गया बच्चे कितना, 18,75,000, दिस इज मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब देखिए डिबेंचर जो है वो साफ लिखा हुआ है 20 लाख के हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, उसमें कोई आप नई चीज नहीं कर सकते, वो आपके सामने क्लियरली मेंशन है कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो है वो कितनी है हमारी, 20 लाख रुपए, ठीक है। और अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को मैं ए बोलूं और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को बी बोलूं, तो कैन आई से जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या है, ए प्लस बी, दैट इज जो मार्केट वैल्यू है इक्विटी की उसमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट ऐड कर दूं, मींस 1875 प्लस 20 लाख, दिस कम्स आउट टू बी 38,75,000, यस और नो। आपने यही पढ़ा था, वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज वैल्यू ऑफ फर्म, यस और नो। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ फर्म, आया ना। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपने निकाल ली, वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लिया, उसके बाद आता है कि आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। तो देखिए अभी आपने ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला देखा, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। EBIT कितना है, 5 लाख, और वैल्यू ऑफ फर्म कितना आया, 38,75,000। परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 कर दो, समझ में आ रहा है हमने क्या किया है, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म इंटू 100, तो ये हो गया आपका 12.90%। तो कुछ नहीं है नेट इनकम अप्रोच में, बहुत ही सिंपल, कि फर्म की वैल्यू क्या है, जो उसकी इक्विटी की वैल्यू है प्लस डेट की वैल्यू है। इक्विटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग अवेलेबल है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। अब देखिए उसको ही थोड़ा सा यहाँ जेंटलमैन तरीके से किया हुआ है, हमने तो थोड़ा सा अलग तरीके से किया, EBIT लेस इंटरेस्ट, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, टोटल वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट। आप ऐसे करें जरूरी नहीं, आप एकदम प्रॉपर अपने तरीके से करके आएंगे, कोई उसमें गलत नहीं, ऐसे करना है आप ऐसे करिए कि स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ फर्म या और ओवरऑल कॉस्ट, या आप इस तरीके से भी करके आते हैं, बस कोई भी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में आपको नहीं लिखनी, जैसे यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपको जो लिखना है वो पूरा का पूरा लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी कोई प्रेजेंटेशन गलत नहीं होती, फाइनल आंसर्स जो हैं बस उसको आप ऐसे हाईलाइट करके जरूर आइए, ताकि एग्जामिनर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये थी बच्चों आपकी क्या, नेट इनकम अप्रोच। चलिए बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच पे, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक लेवल तक तो आप डेट मार्केट रेट पे उठा लेते हैं अपनी वैल्यू ऑफ फर्म के हिसाब से, आपको कोई भी जो है डेट दे देता है। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे डेट्स के लेवल बढ़ते चले जाते हैं, होता क्या है, आपको उस समय कॉन्स्टेंट रेट पे डेट नहीं मिलती,
आपके डेट के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब हो सकता है कि पहले आपको मार्केट से 8% 9% पे लोन मिल जाता हो, लेकिन एक लेवल के बाद ये डेफिनेटली बढ़ेंगे, 12% 15% तक भी हो सकते हैं। बड़ा सिंपल सा रीज़न है। देखो होता क्या है, जब पता लग जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत डेट्स हैं तो उसको कोई भी लोन नहीं देना चाहता, और जो लोन देना भी चाहता है वो ऑलरेडी क्या करता है, अपने रिस्क प्रीमियम को एडजस्ट कर लेता है और अपने इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। और ये हमें डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलता है। किसी को 10-20-50 हज़ार का लोन चाहिए, मिल जाएगा, लेकिन उससे बियॉन्ड जब वो जाता है, लोकल मनी लेंडर से भी आप लेते हैं, पर्सनल लाइफ में बात करूँ, बिजनेस लेवल को भी हटा दें अगर, तो आप देखते हैं कि फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मल्टीफोल्ड्स होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यही बात बोलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड तक तो कॉन्स्टेंट रहेगा, एंड देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लिवरेज। लिवरेज का मतलब सिंपली आप यहाँ से डेट से समझिए, जैसे जैसे आपकी डेट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो भी बढ़ता चला जाएगा, आपको एक कॉन्स्टेंट रेट पे डेट नहीं मिल पाएगा। अब होता क्या है, जैसे जैसे आपकी डेट बढ़ती चली जाएगी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वेस्टर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनके मन में एक डाउट होना शुरू हो जाएगा, यार इतनी डेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बढ़ती जा रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या चक्कर है, इतनी डेट क्यों ले रहे हैं। तो होगा क्या, बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इक्विटी शेयर होल्डर स्टार्ट्स रिसीविंग अ फाइनेंशियल रिस्क। उनको लगेगा कि फाइनेंशियल रिस्क है, भैया इतनी डेट बढ़ाते जा रहे हैं, ये अगर कल दिन इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर गए तो ऑर्गेनाइजेशन की तो इमेज बहुत बैड हो जाएगी। तो दे विल स्टार्ट रिसीविंग अ फाइनेंशियल रिस्क एंड फ्रॉम द ऑप्टिमल पॉइंट एक्सपेक्टेड रेट इंक्रीजेस। और इन्वेस्टर भी फिर क्या करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे अनलेस उनको हायर रिटर्न्स ना यहाँ पर मिले या उनकी हायर एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मीट ना हो। और इस कारण से होता क्या है, पूरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो पहले डिक्रीज करती है और फिर क्या करती है, इंक्रीज। कब तक डिक्रीज करती है, जब तक आप एक कांस्टेंट रेट पे मार्केट से डेट ले पा रहे हैं। जब वो कांस्टेंट रेट एक लेवल के बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ इक्विटी शेयर होल्डर्स भी फाइनेंशियल रिस्क, उनको लगता है कि फाइनेंशियल रिस्क है क्योंकि इतनी डेट बढ़ती जा रही है, तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं। तो उस पॉइंट के बाद यहाँ से कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ती है, यहाँ से इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है। आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ट्रेडिशनल अप्रोच पे आप एज इट इज लिख के आएंगे और ये डायग्राम बनाएंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ डेट पहले आपको एक नॉर्मल मिलेगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट आपकी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कोई मार्केट में लोन देना पसंद नहीं करेगा, आपकी डेट रिडन फर्म हो चुकी होगी। सेम वे इक्विटी की एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां से आप देखिए स्लोप में किस तरीके से चेंज है। क्यों? क्योंकि यहां से फाइनेंशियल रिस्क उनको लगा बढ़ना शुरू हो गया। तो यहां तक तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद वो बढ़ना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि डेट का भी रेट बढ़ा, साइमल्टेनियसली एक्सपेक्टेशन का स्लोप भी बढ़ गया। सो दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इन शॉर्ट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच विद द इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज WACC विल डिक्रीज, डिक्रीज होगी, आप जैसे जैसे डेट बढ़ाएंगे वो डिक्रीज होगी अप टू ऑप्टिमल पॉइंट, एंड बियॉन्ड ऑप्टिमल पॉइंट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। समझ में आया? देखिए जो इससे पहले आपने नेट इनकम अप्रोच पढ़ी थी वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, वहाँ हम ये मान के चलते हैं कि जो आपकी डेट की कॉस्ट है वो जो है कॉन्स्टेंट रहेगी, वो आप एक पर्टिकुलर रेट पे जितना मर्जी डेट उठा सकते हैं। बट ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकल है और वो इस चीज़ को, प्रैक्टिकल फैक्ट को कहीं ना कहीं कवर अप करती है कि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेट कॉन्स्टेंट रेट पे नहीं उठा सकते, आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉस्ट ऑफ डेट पे करनी पड़ेगी अगर बियॉन्ड द लिमिट आप जाते हैं। समझ में आई बात? श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, दो बार देखिए, तीन बार देखिए, बहुत अच्छे से इस चीज को समझिए, दिमाग के अंदर बैठाइए इसको। एक बार आप फटाफट जो है सारा का सारा नोट करिए, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं।
देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में कोई डिफरेंट फॉर्मूले नहीं है, वही चीज़ें हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच अपने आप में एक थ्योरी है जो आपने डिस्कस कर ली। देखिए, बहुत सिंपल, इंद्रा लिमिटेड EBIT है 1 लाख रुपए। कंपनी मेक्स द यूज ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल। द फर्म हैज 10% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है कितना, 15%। तो देखिए, EBIT है कितना, 1 लाख। अगर आप इसमें से डिबेंचर्स का इंटरेस्ट जो है वो माइनस करें, विच कम्स आउट टू बी हाउ मच, 50,000। तो बचा कितना, 50,000। दिस इज अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, आया ना। अब इस 50,000 को आप 15% से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी व्हाट, वेरी गुड, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। देखिए, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आप इसको समझ चुके हैं, क्योंकि अभी आप इस पे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, ठीक है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 15% आप करते हैं, दिस इज 3,33,333। अब ये आ गया, इसमें आप अगर 5 लाख रुपीस के जो डेट वेंचर्स हैं वो ऐड कर दें तो आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ जाती है 8,33,333। देखिए यहाँ पे EBIT लेस इंटरेस्ट अर्निंग्स 15, फार्मूला लिखा, वैल्यू निकाली वैल्यू ऑफ डेट, ऐड करी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, सेम एकदम। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालनी है, तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल फॉर यू नाउ कि आप सीधे 1 लाख को डिवाइडेड करें 8,33,333 से और इनटू 100। इतना कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप EBIT को वैल्यू ऑफ फॉर्म से डिवाइड करें, ठीक है। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से निकाल रखा है, वैसे भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फॉर्म उससे भी आप कर सकते हैं, आंसर विल बी 12%, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला, डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है। देखिए, ऑप्शंस, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू। देखिए, टोटल वैल्यू गिवन है, टोटल वैल्यू मतलब डेट प्लस इक्विटी, टोटल वैल्यू का मतलब होता है टोटल कैपिटल, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को समझिए, पहले वाले केस में 0.0 मतलब 100% इक्विटी है, फिर सेकंड केस में 0.1 मतलब, देखिए परसेंटेज है तो 0.1 का मतलब हो गया 10%, 10% डेट है और 90% इक्विटी है। यहाँ 0.2 का मतलब क्या हुआ, 20% डेट है, 80% इक्विटी है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो देखिए, बड़ा सिंपल है, जो भी पॉइंट है ना इसको आप 100 से इंटू करो तो अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो 30% डेट है और 70% जो है वो हमारी इक्विटी है। यहाँ 40% डेट है, 60% इक्विटी है, 50% डेट, 50% इक्विटी, 60% डेट, 40% इक्विटी। समझ में आया, श्योर। अब देखिए, हमें ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो निकालना है, तो आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी आती है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 11% इज द कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, बट यहाँ पे डेट 0% है, तो 11% इंटू 0 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है आपका, 13% इंटू, अब 100% इक्विटी है तो आप इसको यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे। देखिए, 100 से इंटू मत करिएगा, ये हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी देखा था, 100% है, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 क्या आ गया, 1 आ गया। सेकंड केस, अच्छा तो यहाँ पर आपका आ गया कितना, 13% ही। सेकंड केस देखिए, चलिए इससे समझ में आएगा, 11% है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डेट है आपका 0.1, दैट इज 10%, तो इसको 0.1 से इंटू करेंगे, इंटू 13% इंटू 0.9, क्योंकि 90% इक्विटी है, 90/100.9 हो गया और डेट इज 0.1, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपका आंसर आता है 12.8%। तो इसी तरीके से आप सारे निकालेंगे, देखिए 13, 12.8, और जहाँ आपकी सबसे कम कॉस्ट है अगर आप देखें तो सेकंड ऑप्शन में ही है, तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट बिकॉज इट इज द लोएस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो WACC का है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का है, रादर देन
इस चैप्टर के, क्योंकि आपने ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर निकाला और वो वहीं होगा जहां आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, और ये चीज़ आप ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सिंपल सा, जो कि एग्जाम में 3 नंबर तक पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की, जिसको हम शॉर्ट में NOI अप्रोच भी कह देते हैं। पहली लाइन दिखती है आपको, EBIT इज इररिलेवेंट। देखिए यहाँ पर EBIT इररिलेवेंट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कैलकुलेशन में EBIT कहीं यूज नहीं होगा। EBIT का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आप इक्विटी एंड डेट में डिवीजन करते हो ना, वो इररिलेवेंट है। आप ये सोचते हो कि कितना इक्विटी से लें, कितना डेट से लें, क्योंकि डेट से कुछ टैक्स बेनिफिट होगा एंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जिससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सबसे पहली चीज़ तो टैक्स इग्नोर करती है, कि टैक्स नाम की चीज़ होती नहीं, तो इग्नोर करती है टैक्स, तो नो टैक्स बेनिफिट। ठीक है, अब जब टैक्स बेनिफिट नहीं है, सेकेंड ये होता है कि लोअर रेट पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का कहना है कि ठीक है, आपको डेट लोअर रेट पे मिल जाती है कंपैरिजन टू इक्विटी, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं उतनी ही ज़्यादा होती हैं। डिवीजन बिटवीन इक्विटी एंड डेट इज रिलेवेंट एज इंक्रीज इन यूज ऑफ चीपर डेट। जैसे जैसे आप सस्ती डेट इंक्रीज करते जाते हो, शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, उनका रिस्क बढ़ता चला जाता है ऑफ इक्विटी शेयर एज दे आर अपोज टू हायर रिस्क एंड देयर फोर ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम। जो ओवरऑल वैल्यू है फर्म की वो सेम रहती है। देखिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच से डिफरेंट है। वहां पर भी हमने ये बात करी थी कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाएंगे, एक सर्टेन पॉइंट के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं बढ़ती जाएंगी, ये हमने वहां भी बात की थी। लेकिन वहां हमने ये बात की थी कि एक पॉइंट के बाद आपको डेट हायर रेट पे मिलना शुरू हो जाता है, यस और नो? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि डेट आपको चीपर रेट पे ही मिल रहा है, बट फिर भी जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते चले जाओगे, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बढ़ती चली जाएंगी शेयर होल्डर्स की, एंड ओवरऑल जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई फायदा फर्म की वैल्यू में देखने को नहीं मिलेगा। इस अप्रोच की ये सबसे बड़ी स्टैंडर्ड अजम्पशन है, ओवर ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम, कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो सेम रहेगी इवन इफ यू विल इंक्रीज द डेट। ये बात ध्यान रखिए, जबकि ऐसा ट्रेडिशनल अप्रोच में नहीं था। वहां पर आप अगर देखें हम, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म। मतलब वैल्यू ऑफ फर्म हम कैसे निकाल रहे थे, अगर आपको याद हो, EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमने इन दोनों अप्रोचेस में देखा कि नेट इनकम अप्रोच हो या ट्रेडिशनल अप्रोच हो, वैल्यू ऑफ फर्म विल कंटिन्यू टू चेंज एज डेट्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड, यस और नो? जैसे जैसे डेट्स आती जाएंगी, वैसे वैसे वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो चेंज होगी। ये नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है कि भैया कुछ कर लो, वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑलवेज रिमेन सेम। देखिए ये मैं इसलिए बार बार इतना जोर दे के कह रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन पूछता है वो थ्योरी का, कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का क्रक्स क्या है। इसका क्रक्स ये है कि वो ये कहता है कि आपका बाइफर्केशन इक्विटी डेट में इररिलेवेंट है, आप डेट सस्ती लगा लो, उससे शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी और हायर रिस्क होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो सेम रहेगी। आइए एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल है एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। उनके कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, मतलब डेट इक्विटी के रेशो अलग है। अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेट एंड 50% इक्विटी। अल्फा में 50% डेट है और 50% इक्विटी है, जबकि बीटा के अंदर 20% डेट है, 80% इक्विटी है। एज पर NOI अप्रोच, वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म्स विल बी सेम। याद रखिएगा, यही हमने पढ़ा था उसके अंदर, कि आप कुछ भी कर लो कैपिटल स्ट्रक्चर में, इक्विटी डेट का जो बाइफर्केशन है जो मर्जी कर लो, वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम। ये चीज आपने NOI अप्रोच में पढ़ी है।
all percentages are in market value terms. The borrowing rates for both the companies is 8%, no tax hold, and capital markets are assumed to be perfect. If you own 2% of the shares in Alpha Limited, determine your return if the company has net operating income of 360,000 and overall capitalization rate of the company is 18%. Company ki jo EBIT hai, वो है 360,000 रुपये और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन जो है वो कितना है 18% है। देखो बहुत सिंपल, आप खुद देखो EBIT उसने आपको बता दिया कितना 360,000, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, खुद बताओ मुझे आगे आगे 18% हो गया, दिस इज यस और नो। अब अगर आप देखें तो आप वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हैं, दैट इज EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ही बात होती है, तो दिस विल बी 360,000 डिवाइडेड बाय 18%, सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच 20 लाख। 20 लाख रुपीज इज द वैल्यू ऑफ फर्म। अब वैल्यू ऑफ फर्म आपको पता है वो कैसे बनती है, दैट इज इक्विटी प्लस डेट, ऐसी बनती है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। और उसने ही आपको बोल दिया कि दोनों यहां पर अल्फा के केस में 50-50% है, मतलब 20 लाख का 50%, 10 लाख रुपए तो उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है और 10 लाख रुपए जो है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, 50-50 बोला है ना उसने, यस और नो। तो उसने बोला था आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर आप 2% शेयर्स हैं तो डिटरमाइन योर रिटर्न, आपके रिटर्न कितने होंगे। तो देखिए बड़ा सिंपल है, 360,000 रुपये EBIT है कंपनी की। अब इसको जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि 10 लाख रुपये डेट है और किस रेट से है, 8% से, ये लिखा हुआ था 8%, तो यहाँ पे 80,000 रुपये का इंटरेस्ट चला गया, तो ये आपका आता है कितना, 2,80,000 रुपये, दैट इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, आया ना। अब आपके पास कितने शेयर हैं, आपके पास तो 2% शेयर हैं, तो 2% आपको मिल जाएगा, दैट इज 5600 रुपीज, यस और नो। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ अल्फा लिमिटेड 20 लाख वैसे ही निकाला, कंपनी ए की वैल्यू है जिसमें डेट 50% शेयर्स, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम ये थी 10 लाख का 8%, 80,000, अर्निंग्स अवेलेबल 280, 2% रिटर्न आपका हो गया 5600 रुपीस। इसके बाद इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, इन शॉर्ट इक्विटी पे कितना रिटर्न है, तो आप एक बात बताओ इक्विटी पे अगर रिटर्न आपको निकालना है, 2,80,000 रुपये है, 10 लाख रुपये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, इक्विटी पे रिटर्न कितना है 28%। समझ में आ गया, सिंपल, कुछ भी इसमें ऐसा टेक्निकल है ही नहीं। अब देखो बीटा लिमिटेड हैज सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम एज अल्फा लिमिटेड, मतलब उसकी भी 360,000 है। डिटरमाइन द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ बीटा लिमिटेड, एनालाइज व्हाई डज इट डिफरेंट। चलिए बात की बात है, सबसे पहले इनका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, 20% और 80% है, यस और नो। और इसने ये हमें बोल दिया कि उनका जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो क्या है, सेम है। अब आपके सामने जो दिक्कत है वो ये कि सर बीट अल्फा लिमिटेड के केस में तो उसने ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट 18% बता दिया था, लेकिन बीटा लिमिटेड के केस में ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट हमारे पास कहाँ है, है ही नहीं। सेकंड, आपने तो बोल दिया एनओआई अप्रोच है, लेकिन एनओआई अप्रोच क्वेश्चन में कहाँ मेंशन है कि हम ये मान लें कि दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगी, क्वेश्चन में तो ये बात मेंशन नहीं है। ठीक है, हम एनओआई अप्रोच का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें इसलिए पता है कि अल्फा लिमिटेड और बीटा लिमिटेड की वैल्यू ऑफ फर्म सेम होगी, लेकिन क्वेश्चन में तो एनओआई अप्रोच नहीं लिखा हुआ। सेकंड, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट गिवन नहीं है। तो देखिए सबसे पहली चीज, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एनओआई अप्रोच क्लियर लिखा होता है। सेकेंड चीज, यहाँ पर एक वर्ड जिसकी वजह से आप इसको बाउंड है मानने के लिए, दैट इज आइडेंटिकल, प्लीज अंडरलाइन। ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर identical except for capital structure।
इस आइडेंटिकल वर्ड की वजह से आपको ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे कि दोनों की वैल्यू ऑफ फॉर्म जो है वो सेम है। आइडेंटिकल का मतलब ही क्या होता है, सेम, यस और नो। तो ये अजम्पशन पे ही हम इस समय क्वेश्चन करने वाले हैं, और वैसे ही एनओआई अप्रोच का क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा, तो आपको एनओआई अप्रोच बड़ी क्लियरली मेंशन होगी। देखिए टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म आप देखिए, सीधा सीधा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज 20 लाख। ये क्यों लिए आपको आई थिंक अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्फा का भी सेम था और दोनों कंपनीज आइडेंटिकल हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें 20% डेट है तो 4 लाख, 80% इक्विटी हो गई, 360,000 है। तो इंटरेस्ट ऑन डेट कितना होगा, 4 लाख का 8%, 32,000। तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी और इम्प्लाइड रेट कितना आएगा यहाँ पे, 20.5%। तो इसके बाद इन्होंने एक चीज़ पूछी, एनालाइज व्हाई डज इट डिफरेंट फ्रॉम अल्फा लिमिटेड। तो अल्फा में अगर आप देखें तो रेट है 28% और यहाँ पर जो है वो 20.5 है। और आई थिंक मुझे बताने से पहले आपको आंसर पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसने डेट्स का ज़्यादा यूज़ किया, इस वजह से जो इक्विटी के रिटर्न है वो हायर है, और यहाँ पर इसने डेट्स का यूज़ कम किया है, इस वजह से जो इक्विटी पे रिटर्न है वो लोअर है। तो आप सिर्फ फर्स्ट लाइन मेंशन कराएंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो एक बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन आपको समझाता हुआ कि किस तरीके से नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में वैल्यू ऑफ फॉर्म सेम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से न्यूमेरिकल में अप्लाई होता है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करके जाना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। और याद रखना है एनओआई अप्रोच के अंदर जो मैंने आपको थ्योरी बताई है उसका की वर्ड, दैट इज द ओवरऑल वैल्यू ऑफ फॉर्म रिमेन्स सेम, चाहे कुछ हो जाए। एनओआई अप्रोच में ओवरऑल जितनी फॉर्म्स होंगी सबकी ओवरऑल वैल्यू सेम रहेगी। इक्विटी एंड डेट का बाइफर्केशन रेलिवेंसी नहीं रखता, वो इररेलीवेंट है। इसी वजह से जब आपने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था तो हमने बाइफर्केट किया था जो हमारी फर्स्ट दो थ्योरीज थी, दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड नेट इनकम अप्रोच, जिसमें हमने देखा था कि फर्म की वैल्यू चेंज होती है लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में नहीं होती। इसलिए हमने इसका नाम स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो हमने लिखा था कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलीवेंट थ्योरी, ठीक है, इस वजह से वो हमने नाम दिया था। फटाफट सारा का सारा जो है नोट करिए फास्ट। चलिए अब बात करते हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, जिसको MM अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, और 100% क्वेश्चन इस पे ऊपर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए MM अप्रोच जो है दो तरह की है, एक 1958 की थ्योरी है, एक 1963 की थ्योरी है। 1958 की जो थ्योरी है वो विदाउट टैक्स की है, कि मतलब अगर टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, जिसमें हम मानते हैं कि जो लीवर्ड फॉर्म है मतलब जिसमें डेट्स हैं उसकी वैल्यू और अनलीवर्ड फॉर्म की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होती है, MM अप्रोच ये मानती है। और जो विद टैक्स थ्योरी है मतलब जिसमें टैक्स को कंसिडर किया गया, उसमें बोला गया कि जो लीवर्ड फॉर्म है मतलब जिसमें डेट्स हैं, डेट्स एग्जिस्ट करती हैं, लीवर्ड जहाँ पे भी है मतलब डेट्स एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर लीवर्ड फॉर्म की वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। ये इनकी एक अपनी अप्रोच है। और इसके अंदर था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो आपने एनओआई अप्रोच में क्या पढ़ा था, कि वैल्यू ऑफ फॉर्म रिमेन अनचेंज्ड विद द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, वहां वैल्यू ऑफ फॉर्म चेंज नहीं होती थी, नो चेंज इन वैल्यू ऑफ फॉर्म, याद आया? बट ये जो है आपकी बात करती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब नो चेंज इन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ड्यू टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इसकी कोई ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ बिहेवियरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। हमें इसमें मेन जो पढ़ना है वो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अनचेंज रहेगी। और इसमें अब हम आर्बिट्राज प्रोसेस डिस्कस करेंगे, जिसके लिए पूरी की पूरी थ्योरी दी गई, और आपको फिर समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली है क्या। तो आइए, आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए आर्बिट्राज का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, सस्ते रेट पे खरीदो एक मार्केट से और दूसरी मार्केट में हायर प्राइस पे बेच दो, अगर आप आर्बिट्राज की मतलब समझें तो, कि बाय एट लो प्राइस इन वन मार्केट एंड सेल एट हायर प्राइस इन अनदर मार्केट। अब MM अप्रोच जो है वो आर्बिट्राज के लिए ही दी गई,
क्या है ये, देखिए जरा सिंपल। ये कहती है कि सेल द शेयर्स ऑफ हाईली वैल्यूड फर्म, जो हाईली वैल्यूड फर्म है उसके शेयर्स बेच दो, और जो लो वैल्यू फर्म है उसके अंदर शेयर्स खरीद लो। शेयर से भी ज्यादा अच्छा वर्ड का यूज करना चाहूंगा कि इन्वेस्ट, बाय शेयर्स का मतलब है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट इन लो वैल्यू फर्म। आप इस वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं, इन्वेस्ट इन लो वैल्यू फर्म। अब ये कैसे ऑपरेट करता है, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, वो हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे और नोट्स भी मैं उसी समय आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं। देर आर टू कंपनीज यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड हैविंग नेट ऑपरेटिंग इनकम 20,000, एक्सेप्ट दैट एल लिमिटेड इज अ लिवर्ड कंपनी जिसका डेट है 1,00,000 एट द रेट ऑफ 7%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ यू लिमिटेड एंड एल लिमिटेड जो है वो इतना है। कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल वर्क। इसी तरह का क्वेश्चन 4 नंबर तक का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले क्या माना जाता है कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। दोनों का एनओआई कितना लिया गया है, 20,000। देखिए 20,000 है, यस और नो? अब अगर देखा जाए तो हमने बोला कि जो एल लिमिटेड है वो लीवर्ड है, मतलब उसमें 1,00,000 रुपए का डेट है, तो 1,00,000 रुपीज का डेट है और कॉस्ट ऑफ डेट इनका 7% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10 है और यहाँ पर कितना है, 18% है। ठीक है, तो सबसे पहले यू लिमिटेड जो कि बिल्कुल भी डेट नहीं है, अनलिवर्ड फर्म है, तो वहां पर अगर हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो बहुत ही सिंपल है, जो भी अवेलेबल है एनओआई उसको सीधे सीधे आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दीजिए। रीजन है भाई ईबीआईटी कितना है, आप चलो वैसे देख लो 20,000 है, इंटरेस्ट कुछ जाएगा भाई, यू के केस में तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं जाएगा, जीरो इंटरेस्ट है, तो कितना बचा 20,000। अब आप 20,000 को अगर 10% से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2,00,000 रुपए आएगा, यस और नो? तो ये आ गया, आप देखिए 2,00,000, और क्योंकि यहाँ पे डेट जो है वो निल है, जीरो है, तो यही उसकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म होगी, दैट इज कितना, 2,00,000 रुपए। समझ में आ गई बात, श्योर? अब इसके बाद आते हैं एल लिमिटेड के ऊपर। भाई इसका कितना है, 20,000, लेकिन इसका डेट है 1,00,000 का 7% के हिसाब से, तो उस पर इंटरेस्ट बनता है कितना, 7,000, तो ये कितना आया, 13,000। फिर 13,000 डिवाइडेड बाय, अगर आप देखें 18% आपके पास है तो दिस कम्स आउट टू बी 72,222, ये आ गया इक्विटी की वैल्यू, डेट है 1,00,000, तो टोटल आ गया 1,72,222। देखिए एनओआई अप्रोच नहीं है, इट्स आर्बिट्राज प्रोसेस जिसमें एमएम अप्रोच लगती है, वहाँ ओवरऑल वैल्यू जो है वो सेम होती है लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म चेंज हो सकती है। एनओआई अप्रोच जो थी वहां आप कहते थे कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ ओवरऑल कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, वैल्यू ऑफ फर्म चेंज हो सकती है, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा किसी भी तरह की। अब ये आपके पास आ गया, अब बड़े ध्यान से देखिए क्या है स्ट्रैटेजी, कि जो हाई वैल्यू की फर्म है उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दीजिए और लो वैल्यू वाली में इन्वेस्टमेंट परचेज कर लीजिए, यही है ना? तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 10% शेयर्स हैं यू लिमिटेड के अंदर, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। आप 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, एज्यूम यू हैव 10% शेयर्स इन अनलिवर्ड फॉर्म, 10% ऑफ 2,00,000 दैट इज 20,000। ठीक है, हमने यू ही क्यों लिया, क्योंकि अभी हमने देखा आर्बिट्राज प्रोसेस क्या कहता है कि सेल द शेयर्स ऑफ हाईली वैल्यू एंड बाय द शेयर्स ऑफ लो वैल्यू फॉर्म, यस और नो? तो हमने माना कि सुपोज हमारे पास इसके 10% शेयर हैं, 2,00,000 के 10% 20,000, तो हम उसको बेच देते हैं, तो सेल योर शेयर्स इन अनलिवर्ड फॉर्म ऑफ 20,000, यस और नो? और इसको बेच करके आपको इन्वेस्टमेंट किस में करनी है, एल लिमिटेड में करनी है, तो एल लिमिटेड में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एंड बाय 10% शेयर्स ऑफ लिवर्ड फॉर्म इक्विटी प्लस डेट, देखिए मैंने इसीलिए यहाँ पे वर्ड जो है वो चेंज किए थे, इन्वेस्ट इन लो वैल्यू फॉर्म। इन्वेस्ट का मतलब जब होता है तो इन्वेस्ट का मतलब जो भी उनके कैपिटल कंपोनेंट्स है सब में इन्वेस्टमेंट करना है आपको। तो देखिए अगर आप इक्विटी में 10% लेते हैं इसका, तो 72,222 था, उसका 10% हो गया 7,222, और डेट था 1,00,000, उसका 10% लेते हैं तो कितना हो गया, 10,000। तो टोटल आपके पास से जो इन्वेस्टमेंट गई वो कितनी गई, 17,222 रुपये, 17,222। आपको बेच के मिले कितने थे, 20,000, यस और नो? आपके अगर आप एल लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं तो
17,000 ट्रिपल टू गए, तो आपके पास सरप्लस कैश अवेलेबल है कितना, 2,778 का। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार हल्का सा जो है वो रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, यहाँ तक आपको सब क्लियर था। आपने ये अज्यूम किया आपके पास 10% शेयर थे यू लिमिटेड के और आप उसे बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि आर्बिट्राज प्रोसेस यही कहता है जिस फर्म की वैल्यू ज़्यादा आई है उसको आपने सेल करना है और जो पैसा आएगा वो लो वाली फर्म में आपने बाय करना है, और बाय करना है सारे कंपोनेंट्स में, चाहे डेट हो चाहे वो इक्विटी हो। समझ में आई बात? तो आपने यहाँ 20,000 रुपये आपके पास मिले, आपने 10% इक्विटी खरीदी, 10% डेट खरीदा, टोटल हो गया 17,222 रुपये। स्टिल आपके पास सरप्लस कैश बचा कितना, 2,778 रुपीज़ का। यस और नो? और अगर आप देखें, आपने अगर आप सिंपल वर्ड्स के अंदर देखें, 10,000 की डेट्स खरीदी हैं, 7% से आपको रिटर्न आएगा, तो 7% डेट पे 10,000 के हिसाब से आपको कितने आएंगे, 700 रुपये आएंगे। और आपने जो है इनकी इक्विटी खरीदी है, कितनी खरीदी है इक्विटी, 10% खरीदी है। यस और नो? तो अगर हमने देखा था कि 20,000 रुपये इनकी EBIT थी, इन्होंने इंटरेस्ट इसमें से पे किया था 7,000, तो 13,000 बचा था रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि आपने इसके 10% शेयर खरीद लिए तो इसके 10% पे आपका हक होगा 1,300 रुपये। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 2,000 रुपीज़ जो आपको टोटल रिटर्न मिल रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर भी देखें यू लिमिटेड में, तो आपको रिटर्न सेम ही मिल रहे थे भाई, 20,000 था, इंटरेस्ट इनका ज़ीरो था, बचा कितना 20,000, दिस वॉज अवेलेबल फॉर इक्विटी। यस और नो? तो उसका 10% आपका हक बनता था 2,000। तो देखिए रिटर्न दोनों केसेस में सेम है, यहाँ भी वही है जो आपको उस फॉर्म में मिल रहे थे, लेकिन ओवरऑल आपको एडवांटेज क्या हुआ कि आपके पास सरप्लस कैश बच गया 2,778 रुपए का। समझ में आई बात? श्योर। बड़े ही सिंपल सा आर्बिट्राज प्रोसेस है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि तब को रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए, आप ये ध्यान रखिए कि अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू अगर ज़्यादा आई है लीवर्ड फॉर्म से, अनलीवर्ड की ज़्यादा आई थी लीवर्ड फॉर्म से, तो आपने क्या करना है, अनलीवर्ड फॉर्म के शेयर्स बेचने हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। कोई भी परसेंटेज बेचिए, या अगर परसेंटेज गिवन में क्वेश्चन में गिवन है तो वो, जैसे इसमें कोई गिवन नहीं थी तो हमने 10 ले लिया, अगर गिवन होती तो हम वही लेते। फिर आपको वो सेम परसेंटेज लीवर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट करनी है, दोनों में, डेट में भी एज वेल एज इक्विटी में भी। जैसे आपने यहाँ देखा कि आपने 10% जो बेचा उससे जो पैसा आया वो आपने इक्विटी में भी लगाया, इसका 10% 7,222, और आपने वो डेट में भी लगाया, दैट इज़ 1,00,000 का 10% कितना, 10,000 रुपये आपने दोनों में इन्वेस्ट किया, कितना आपका हुआ, 17,222 रुपये। ठीक है, रिटर्न्स विल बी सेम। आपने देखा कि आपने 10% डेट में लगाया, 10% इक्विटी में, 10% डेट पे आपको रिटर्न कितना मिला भाई, आपने 10,000 लगाए थे, 10,000 का 7% इंटरेस्ट मिला 700 रुपये, और क्योंकि 10% इक्विटी आपके पास है और इन्होंने 20,000 में से 7,000 रुपये इंटरेस्ट दिया 1,00,000 का 7%, तो रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 13,000, उसके 10% शेयर आपने ले लिए तो 1,300 रुपये आपके पास ये, तो टोटल रिटर्न 2,000 है, किससे, एल लिमिटेड से। और यू से भी आपका रिटर्न सेम था क्योंकि NOI इनकी 20 थी, डेट इनका कुछ नहीं था तो इंटरेस्ट ज़ीरो था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा इक्विटी के लिए था। 10% इसके शेयर्स आपके पास अगर थे जो आपने यहाँ एज्यूम किए थे, देखिए तो आपका रिटर्न यहाँ भी 2,000 था, तो रिटर्न विल रिमेन सेम विद अ सरप्लस कैश। आपके पास बाय द एंड सरप्लस कैश है कितना, 2,778 का। देखिए रिटर्न विल बी सेम विद सरप्लस कैश, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड इज आर्बिट्राज, कि आपने क्या किया, आपने एक रिस्कलेस काम किया और आपको कुछ बचा। क्या बचा आपके पास, रिटर्न आपके सेम रहे और आपके पास सरप्लस कैश बचा, और सरप्लस कैश को आप इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म अगर ज़्यादा है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म से, किया हमने वो ये, सेल द शेयर्स एंड इन्वेस्ट इन लो वैल्यू फॉर्म। समझ में आ गया? आप पहले जो है इतना पार्ट नोट करिए, ये वाला क्वेश्चन और इसका ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है इसको आप एक बार नोट करिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वाइस वर्सा केस, अगर लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज़्यादा है
अनलीवर्ड फॉर्म से तो हमें क्या करना है, ठीक है। आप नोट्स में देखिए क्या क्या नोट करना है, ये पूरा नोट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड। अब ये नोट्स में दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, समझ में आपको नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। ये अभी कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ ये वाला न्यूमेरिकल एंड विद दिस सॉल्यूशन जो है आपको अच्छे से नोट करना है, समझ में आया फास्ट। चलिए अब हम देखते हैं आर्बिट्राज प्रोसेस कैसे ऑपरेट करेगा जब लीवर्ड कंपनी जो है इसकी वैल्यूएशन ज्यादा आएगी अनलीवर्ड से। तो फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। कैपिटल एम्प्लॉयड है, ईबीआईटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट इक्विटी, आप देख सकते हैं यहाँ पे निल है। इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर, लास्ट क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं था, आपने ज्यूम किया था, यहाँ आपको गिवन है। कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर इफ ही स्विचेस हिज होल्डिंग फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड, उसने बता ही दिया, नहीं भी बताता सिंपल आर्बिट्राज भी लिखता तो भी हम वैसे ही करते। देखिए 30,000 है ईबीआईटी दोनों में। अब अगर हम बात करें तो यहाँ 100,000 की डेट है 10% से, तो 10,000 पे इंटरेस्ट कॉस्ट तो 20,000 बचता है, जबकि यहाँ पे निल है तो ये हो गया 30। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 12.5% है इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ पर अगर आप निकालेंगे इस केस में तो दिस विल बी 20,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, दिस विल बी 1,60,000, और यहाँ पे इट विल बी 30,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, इट विल बी 2,40,000। अब यहाँ पे डेट आपके 100,000 है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो निल है। तो दिस वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ डेट इज टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज ए प्लस बी, 160 प्लस 1,260 एंड यहाँ पे 240। तो यू कैन क्लियरली सी कि लीवर्ड फर्म जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, अनलीवर्ड की कम है, और आर्बिट्राज प्रोसेस अब हो सकता है। कैसे होगा कि आपको क्या करना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है दैट इज लीवर्ड फर्म, उसके शेयर्स बेचने। कितने शेयर्स हैं आपके पास? 15%। तो 160,000 इसकी इक्विटी की वैल्यू है, भाई 160 है ना, उसका 15% जो है आप बेचेंगे तो मतलब 24,000 रुपीस, यस ऑर नो? पक्का? अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाते हैं तो अनडाउटेडली आपने अपनी इन्वेस्टमेंट तो बेची, वो तो आपको इन्वेस्ट करनी है, प्लस आपको बोरो करना है उतना ही अमाउंट। कितना? 15% अमाउंट, दैट इज यहाँ पे देखो कितना था इनका डेट, 100,000। तो आप क्या करेंगे, 100,000 का 15% बोरो करेंगे, दैट इज 15,000 रुपीज, और उसके बाद जो टोटल अमाउंट है 39,000 रुपीज, ये आप इन्वेस्ट करेंगे किसके अंदर? अनलिवर्ड कंपनी के अंदर। बस एक छोटा सा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये कि देखिए जब आप अनलीवर्ड से लीवर्ड पे गए तो सिंपल था, आपने क्या किया, बेचा, और बेच करके लीवर्ड के डेट एज वेल एज इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन जब आप लीवर्ड से अनलीवर्ड में जाएंगे, आपने अपनी होल्डिंग्स तो बेची, प्लस आपको उतना ही अमाउंट जितना डेट है उनकी, कितनी डेट है? 100,000। तो सेम परसेंटेज ऑफ डेट आपको बोरो भी करनी है सो दैट आप इक्वल इन्वेस्टमेंट कर पाए। इक्विटी प्लस डेट आपने दोनों रेस किया, अब आप जाके 39,000 रुपीज अनलीवर्ड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए सेल शेयर्स, बोरो मनी, बाय शेयर्स इन अनलीवर्ड कंपनी 39,000, समझ में ही बात। अब आप 39,000 के वहां पे शेयर्स खरीदेंगे, उनका वैल्यूएशन कितना आया था? 2,40,000 का। तो अगर आप 39,000 के वहां शेयर्स खरीदेंगे उस पर आपको कितनी इनकम होगी? देखिए बड़ा सिंपल है, ईबीआईटी कितना था इनका? ईबीआईटी था आपका 30,000 रुपीज, ये हम अनलीवर्ड की बात कर रहे हैं, डेट इनका जीरो है, तो सारा का सारा जो 30,000 है दैट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस ऑर नो? और इनकी इक्विटी की वैल्यूएशन कितनी थी? 2,40,000 रुपये। तो अगर आप देखें 30,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इनटू 100 तो रिटर्न कितना है? 12.5%, यस ऑर नो? तो उस 39,000 पे 12.5% रिटर्न आपको मिलेगा, दैट इज 4,875, और ये आपको वैसे भी यहाँ पे गिवन था, अगर आप इसे नहीं भी निकालते तो। जस्ट एक पॉइंट क्लियर करने के लिए यहाँ कैलकुलेट किया हमने उसे, ठीक है।
अब क्योंकि आपने 1 लाख रुपए बोरो किए, 15,000 रुपए बोरो किए थे भाई, जो 1 लाख की डेट थी इसमें 15% इन्वेस्टमेंट थी ना आपकी, तो उतना डेट का आपने 15% बोरो भी किया था 15,000, तो इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट किस परसेंट से देना पड़ेगा? 10% से। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000 का 10%, 1,500 रुपये आपका इंटरेस्ट भी जाएगा, तो नेट इनकम आपकी जो बचेगी वो कितनी बचेगी? 3,375। बट अगर हम देखें कि हम वहाँ कितना कमा रहे थे लीवर्ड फर्म के अंदर, तो देखिए 30,000 था, 10,000 रुपये इंटरेस्ट जा रहा था, 20,000 रुपीज़ थे फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उस पे जो है हम कितनी होल्डिंग रखे हुए बैठे थे? 15%। तो 15% हमारा कमाई का हक था, दैट इज 3,000 रुपीज, ये सुनो, जो कि यहाँ हम 3,375 कमा रहे हैं, जबकि यही लीवर्ड फॉर्म से हमारी कमाई सिर्फ 3,000 हो रही थी। तो एक तरह से हमें फालतू इंक्रीमेंटल इनकम जो हुई वो कितनी हुई? 375। मेन पॉइंट जो यहाँ बताया था, बोरो प्रोपोर्शनेट मनी, दैट इज डेट जितनी है लीवर्ड फॉर्म में इनटू जितनी आप इन्वेस्टमेंट रखते हो लीवर्ड फॉर्म में। आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर डेट लीवर्ड कंपनी की कितनी थी? 1 लाख रुपए, और आपने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी लीवर्ड फॉर्म में? 15। तो आपने इतना अमाउंट बोरो भी करना है, कब? इफ स्विचिंग ओवर फ्रॉम लीवर्ड टू अनलीवर्ड फॉर्म, अगर आप लीवर्ड फॉर्म से अनलीवर्ड फॉर्म में जा रहे। देखिए दिस इज द थ्योरी जो कि मोदी गिलानी मिलर ने दी थी, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर समझ में आई बात कि आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ये उनकी एक थ्योरी थी। और जो उन्होंने, हमने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज बोला कि इसकी ऑपरेशनल जस्टिफिकेशन नहीं है, बिहेवियरल जस्टिफिकेशन है, और आप बिहेवियरल जस्टिफिकेशन का मतलब यही है कि आप उठा लीजिए कोई भी एग्जांपल आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि आप इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बना रहे हैं। आप यहाँ पे 375 रुपीज बना रहे थे एक्स्ट्रा, पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ठीक है आपने एक्स्ट्रा नहीं कमाया, तो क्या हुआ? आपके पास सरप्लस कैश बच गया जिससे आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट करके। तो यही MM अप्रोच है। और अगर आप स्विच ओवर कर रहे हैं अनलीवर्ड से लीवर्ड फॉर्म में, तो इन्वेस्ट करना है बोथ डेट एंड इक्विटी में। ये जो आपको दो पॉइंट्स पहले ही लिखवा दिए थे वो यही थे। आर्बिट्राज प्रोसेस सेम है, आपको सेल करने हैं शेयर्स हाई वैल्यू फॉर्म में और बाय करने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है लो वैल्यू फॉर्म के अंदर। बट ये ध्यान रखना है कि अगर आप लीवर्ड से अनलीवर्ड में जा रहे हैं तो आपको बोरो करनी है प्रोपोर्शनेट मनी और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है, और अनलीवर्ड से लीवर्ड में जा रहे हैं तो उस केस में लीवर्ड फॉर्म में आप इन्वेस्टमेंट दोनों में करेंगे, डेट में एज वेल एज इक्विटी के अंदर। देखिए दोनों वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 2 बार 3 बार 4 बार देखनी पड़े, 4 बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हल्का सा भी कॉन्सेंट्रेशन लूज किया तो आपको समझ में नहीं आएगी। ये एक थ्योरी है जिसके अंदर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिसके बेसिस पे ऑपरेट करती हैं। क्वेश्चन 101% इसके ऊपर आएगा, और जितनी आपको बातें बताइए सिर्फ इतना, और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। या तो आर्बिट्राज प्रोसेस आएगा लीवर टू अनलीवर्ड का, या अनलीवर्ड से लीवर्ड का, लेकिन एक क्वेश्चन इस पर आएगा। बहुत अच्छे से पहले आप दोनों क्वेश्चन, एक पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करें, और हल्का सा भी डाउट है 2 बार वीडियो दोबारा देख लो, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छे से करनी है, थोड़ी सी टेक्निकल नेचर की है, विद फुल पेशेंस आपको फुल कॉन्सेंट्रेशन इसे समझना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं, क्वेश्चन आपने पहले खुद करना है, उसके बाद जहां आप फंसेंगे फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 कंपनीज, कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT, लीवर्ड कंपनी अनलीवर्ड कंपनी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन्वेस्टर 15% शेयर रखता है अनलीवर्ड कंपनी में, कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स इफ ही स्विचेस इज होल्डिंग फ्रॉम अनलीवर्ड टू लीवर्ड। अपने आप एक बार करिए, वैल्यूएशन निकालिए, और उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, वैल्यूएशन निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के बाद देखेंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप आर्बिट्राज प्रोसेस शुरू करेंगे। करिए फास्ट। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पॉज करके आपने सॉल्यूशन खुद कर लिया है। देखें EBIT हमारे पास जो है, अगर आप देखें तो गिवन है 30,000 रुपीज़। फर्स्ट केस में लीवर्ड है 10%, 1 लाख तो 10,000 रुपये होता है, तो अर्निंग्स फॉर इक्विटी 20, यहाँ पे निल है तो 30। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हम देखें तो इट इज़ गिवन
यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 12.5 है, तो यहाँ 20 यहाँ 12.5, जरूरी नहीं है सेम हो वो। तो ये वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया 1 लाख, यहाँ आ गया 240, यहाँ डेट कितनी थी आपकी 1 लाख रुपए और यहाँ पे निल। तो ए बी, तो ए प्लस बी दैट इज वैल्यू ऑफ फॉर्म, यहाँ हो गया 2 लाख, यहाँ 240। तो हाई वैल्यू अनलिवर्ड की है, यहाँ से आपको लिवर्ड में जाना है और यही उसने आपको कहा भी था। अब 240 में आप कितने शेयर्स होल्ड करते हैं, 15%, तो 240 का 15% कम्स आउट टू बी हाउ मच, 36,000 रुपीज आपके पास आएगा। ये 36,000 रुपीज जो आएगा इससे आप दोनों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, 15% इक्विटी लेंगे, 15% डेट, तो आपका पैसा कितना लग जाएगा, 1 लाख का 15% ये आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा इक्विटी में, और आप डेट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, यस और नो, 1 लाख का 15%, तो 15,000 यहाँ इन्वेस्ट होंगे, 15,000 यहाँ, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 30,000, यस और नो। इसके बाद अगर आप देखें कि यहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा था अनलिवर्ड फॉर्म में, तो आप देखें ईबीआईटी था 30,000, अर्निंग्स थी 30,000, तो यहाँ आपको जो रिटर्न मिल रहे थे वो मिल रहे थे 30,000 का 15%, 4,500 रुपीज़, यस और नो, यही आपको मिल रहे थे रिटर्न। अब यहाँ आपको कितने रिटर्न मिल रहे हैं अगर आप देखें, तो आप जो इक्विटी अवेलेबल है 20,000, यस और नो, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपको आ रहा है 20,000 का 15%, तो ये हो गया आपका कितना 3,000, और रिटर्न ऑन डेट भी आपको मिलेगा क्योंकि आपने 15% मतलब 15,000 रुपये डेट में भी लगाए हैं और डेट पे इनका रिटर्न कितना है 10% है, तो आपका 1500 रुपये, तो 4500। आप देखिए दोनों केस के अंदर जो रिटर्न है वो क्या है, सेम है, और आपके पास कहीं ना कहीं सरप्लस कैश जो है वो बच गया, कितने रुपए का, 6,000 रुपये का सरप्लस कैश आपके पास बचता है। देखिए इतना तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में ना एक स्टेप आगे पूछा है, कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर, कि कितना इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स है। तो आपके पास अभी सरप्लस कैश है, तो इस सरप्लस कैश को वो इन्वेस्ट करेगा। देखिए अभी तो उसने क्या किया, 36 में से सिर्फ 30 ही इन्वेस्ट किए, अब वो 6,000 रुपये भी इन्वेस्ट करता है इसी कंपनी के अंदर इक्विटी में एज वेल एज डेट में। 15,000 है मतलब इक्वल अमाउंट है, मतलब 3,000 रुपये डेट में और 3,000 रुपये इक्विटी के अंदर। तो डेट पे रिटर्न है 10%, तो कितना आ जाएगा 300 रुपये, और इक्विटी पे जो रिटर्न है वो कितना है 20% है भाई, इक्विटी पे रिटर्न 20% है, तो ये आपका यहाँ पे कमाई आ जाएगी कितनी 600 रुपये। तो 600 प्लस 300 अगर देखा जाए तो 900 रुपये की इंक्रीमेंटल अर्निंग्स जो है वो होंगी, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कितनी की होंगी 900 रुपए की होंगी बिकॉज ऑफ दिस सरप्लस कैश। सरप्लस कैश तक उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस उसके बाद ये है कि आपकी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स कितनी होगी। तो आउट ऑफ दिस 6,000 वी विल इन्वेस्ट 3,000 इन इक्विटी एंड 3,000 इन डेट, बिकॉज ये रेशियो आप देखें यहाँ पर क्या था, ये रेशियो यहाँ पे था 1:1, इसी रेशियो में आप इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। और उसके बाद इक्विटी पे रिटर्न है 20%, डेट पे रिटर्न है 10%, तो टोटल इंक्रीमेंटल अर्निंग्स विल बी 900। आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे 900 है, इनका तरीका अपना है करने का वो भी एकदम ठीक है, लेकिन आप इसी तरीके से करें अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड इन द मल्टीपल मेथड्स, ठीक है, फटाफट इसे करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी की, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का या 2 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या है, कि जो आपको डेट से बेनिफिट होते हैं लाइक टैक्स बेनिफिट, आप फर्म में डेट्स लगाते हैं क्योंकि आपको उससे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो वो जो बेनिफिट है इट ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ डेट, उससे जो कॉस्ट पड़ती है और जो बेनिफिट है वो ऑफसेट हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और ये कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब यहां पर है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टाइप, लाइक ये क्या है आप समझिए। देखिए होता क्या है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेट्स इंट्रोड्यूस होती हैं तो डेट से एक सबसे बड़ा खतरा आता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस 2 तरीके से आ सकता है, एक बैंक्रप्सी कॉस्ट, एक नॉन बैंक्रप्सी कॉस्ट। डेट रिडन फॉर्म्स के अंदर जनरली होता क्या है,
नॉन बैंक्रप्सी कॉस्ट कैसे देखने को मिलती है, स्टाफ लीव करना शुरू कर देता है, भैया ये तो लोन पे हैं, इनको तो ब्याज चाह रहा है। आजकल स्टाफ हायर लेवल्स के लोग वहाँ काम करना पसंद करते हैं, वहाँ सर्विसेज देना पसंद करते हैं जहाँ पर डेट्स जीरो हो या बहुत कम हो। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड क्या होता है, सप्लायर्स भी जो है, जो रॉ मटेरियल है या सप्लाईज देनी है, वो बड़ी डिसएडवांटेज टर्म्स में देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। बैंक्रप्सी कॉस्ट कैसे, कि अगर आप डेट टाइम पर नहीं पे कर पाए तो होगा क्या, आप इंसॉल्वेंसी में चले जाएंगे। इंसॉल्वेंसी में गए, एक तो लीगल कॉस्ट आएगी, जो भी उसकी पूरी लीगल कॉस्ट आती है, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, कंपनी को बियर करना पड़ता है। सेकंड, उस समय असेट्स अगर कंपनी के बेचे जाते हैं तो वो बड़े डिस्ट्रेस प्राइस पर, डिस्ट्रेस प्राइस मतलब लोअर देन द करंट वैल्यू बेचे जाते हैं। तो जितना आपने फायदा नहीं उठाया डेट से इन द फॉर्म ऑफ टैक्स बेनिफिट, वो सारा का सारा एक बार में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे उसका मतलब है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, विच कैन बी ऑफ टू टाइप्स, बैंक्रप्सी एंड नॉन बैंक्रप्सी कॉस्ट। बैंक्रप्सी कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी विच इंक्लूड्स लीगल कॉस्ट एंड असेट्स दैट आर सोल्ड एट डिस्ट्रेस प्राइस एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी। एंड नॉन बैंक्रप्सी कॉस्ट विल इंक्लूड स्टाफ लिविंग कॉस्ट, डिसएडवांटेजेस पेमेंट टर्म्स बाय सप्लायर। तो ये आपको पूरा एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख के आना है, एक आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में समझाया है। एज पर द डेट इक्विटी रेशियो इंक्रीजेस, जैसे जैसे डेट इक्विटी रेशियो बढ़ती जाएगी, देर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मतलब जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते हैं वैसे होता क्या है, आपको इंटरेस्ट की वजह से फायदा मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, सिंपल वर्ड्स टैक्स बेनिफिट, ठीक है। एंड बैंक्रप्सी कॉजिंग एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर, तो एक ट्रेड ऑफ की सिचुएशन होती चली जाती है, न्यूट्रलाइज सिचुएशन होती जाती है, ठीक है आपको टैक्स बेनिफिट मिलता चला जा रहा है लेकिन आप उतना ही बैंक्रप्सी की तरफ मूव ऑन करते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रेड ऑफ थ्योरी, एंड प्लीज यू मस्ट प्रिपेयर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट थ्योरी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए इसके बाद बात करते हैं पैकिंग ऑर्डर थ्योरी की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट है। देखिए ये एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होती है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब व्हेन डिफरेंट पार्टीज हैव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, लाइक आप एज ए स्टूडेंट इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरी है, एज ए टीचर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी इन्फॉर्मेशन दूसरी है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। अब ये चीज़ कैसे फाइनेंस में अप्लाई होती है, देखिए जनरली किसी भी बिजनेस के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं दे हैव बेटर इन्फॉर्मेशन देन इन्वेस्टर्स कि आगे बिजनेस का स्कोप क्या है, क्योंकि मैनेजर्स आर इन्वॉल्व इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग, दे आर इन डायरेक्ट टच विद द बिजनेस एनवायरमेंट, सो दे हैव द बेटर इन्फॉर्मेशन देन द इन्वेस्टर्स। तो अगर मैनेजर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर अर्निंग्स जो हैं वो अच्छी रहेंगी, इफ़ मैनेजर्स आर पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर अर्निंग्स, फर्म प्रेफर्स टू इशू डेट, क्योंकि उन्हें पता है कि डेट से एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट जाना है, कम जाना है, हमारी अर्निंग सही रहेंगी, हम डेट पे चले जाते हैं। बट इन वाइस वर्सा सिचुएशन वो क्या करते हैं, इक्विटी इशू करते हैं इफ इंटरनल फाइनेंसेस इनसफिशिएंट। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर मैनेजर्स को लगता है कि फ्यूचर अर्निंग सिक्योर है तो वो डेट पे जाएंगे, और अगर फ्यूचर अर्निंग उनको लगता है सही नहीं है तो वो पहली कोशिश करते हैं इंटरनल फाइनेंस, मतलब रिजर्व्स में से काम चल जाए, बट अगर रिजर्व्स में से नहीं चलता तो फिर वो फर्दर इक्विटी इशू करते हैं। देखिए इक्विटी कोई भी इशू नहीं करना चाहता इतनी जल्दी, उसके पीछे कारण सिर्फ यही होता है कि कहीं ना कहीं इक्विटी से जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होता है, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो डाइल्यूट होती है इस वजह से। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी का जो स्ट्रक्चर है कि पहले इंटरनल फाइनेंसिंग से काम चल जाए, और अगर फ्यूचर कि जो अर्निंग्स हैं वो सिक्योर हैं, पॉजिटिव हैं, उनको लेके मैनेजर्स, तो फिर वो डेट पे जाएंगे, एल्स लास्ट ऑप्शन वो हमेशा इक्विटी को देते हैं। यही पूरी की पूरी जो है वो थ्योरी है, आप देख लीजिए। और ट्रेड ऑफ में क्या था कि डेट एंड देयर आफ्टर इक्विटी, लेकिन ट्रेड ऑफ में हमें ये बात ध्यान रखनी थी कि बेनिफिट ऑफ डेट जो है कॉस्ट ऑफ डेट से ऑफसेट हो जाते हैं अगर आप फ्यूचर अर्निंग्स को लेके पॉजिटिव नहीं हो। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी आपके पास आती है अगर, तो ये तीनों पॉइंट्स और ये आप इसके अंदर लिख कर आएंगे, ठीक है।
ये थी आपकी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। दोनों थ्योरी में से एक ना एक थ्योरी आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलनी चाहिए, तो ट्रेड ऑफ थ्योरी या पैकिंग ऑर्डर थ्योरी।